नमस्कार, वेलकम बैक। सो आज मैं आपके साथ एक वेरी इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन बोलो या जो क्वेरीज आते रहते हैं हमारे पास, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो है जो कोविड के जो अभी महामारी जो चल रहा है, उसमें हमारा एक वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ यू नो वर्ल्ड आई विल से, एंड द सेम थिंग इज़ हैपनिंग हमारे इंडिया में भी। हमारे सरकार, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, काफ़ी ड्राइव चल रहा है कि वैक्सीनेशन जल्दी से हो, सबको कवर किया जाए। उसमें से हमें कभी कभी क्वेरीज काफ़ी आते हैं कि किसी को पहले स्ट्रोक हुआ है तो उसमें वैक्सीन ले सकते या नहीं ले सकते। उसका सारा सीधा जवाब है, एब्सोल्युटली लेना चाहिए। कभी भी उसके वजह से आप डिफर मत करिए कि मुझे वैक्सीन लेनी लेना है, नंबर वन। सिमिलरली और एक क्वेश्चन आते हैं, वो है कि कोई हमारे जो पेशेंट है, हमारे जो भी नोन टू है, वो ब्लड थिनर्स पे हैं, खून पतला करने वाली दवाई पे है, तो उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका जवाब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड में देना चाहता हूँ, इसका जवाब भी श्योरली लेना चाहिए। आपको वैक्सीन ले सकते सेफली, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो लोग ब्लड थिनर्स पे होता है, दो प्रकार का प्राइमरीली ब्लड थिनर्स होता है, एक तो कि एंटी प्लेटलेट्स होता है, एक एंटी कोआगुलेंट होता है। एंटी प्लेटलेट्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो आप घबराइए मत। उसके वजह से कभी कभी ये हो सकता है कि आप जैसे पियर्स करेंगे, जो वैक्सीन दिया जाता है आपको, जो वैक्सीन देते हैं उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा हेमाटोमा होने का रिस्क चांसेस होता है, जो कि ब्लड थिनर्स पे है, चांसेस हैं, पर होगा ऐसा कुछ नहीं है। बट इसके वजह से आपको वैक्सीन को आप डिफर करना है, वैक्सीन नहीं लेना, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। एंड समबडी इज़ हैविंग एंटी कोआगुलेशन पे जैसे चल रहा है, उनको ज़्यादा ही फियर है, तो दे कैन चेक INR, एंड इफ़ द INR जो है वो थेरापिटिक रेंज, जो टारगेट रेंज है उसके अंडर है, तो आप आराम से जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका रिक्स ऑफ नॉट गेटिंग वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन ना लेने की वजह से जो रिक्स होता है कोविड इन्फेक्शन, उसके वजह से जो रिक्स होता है, जो कि डेथ हो सकता है, जो कि हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकता है, वर्सेज एक छोटा सा हेमाटोमा होने के जो रिस्क है, आपका वेटेज करेंगे तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन लेना चाहिए हमें। और वैक्सीनेशन तो डेफिनेटली हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए। तो ये जो है, ये जो कंसेप्ट है कि हमें किसी को स्ट्रोक होता है तो लेना चाहिए नहीं चाहिए, ब्लड थिनर के बाद लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमें वो फियर हटाना है और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और सरकार का जो ये ड्राइव है, जो मोटिव है सबको वैक्सीनेट करना, और हमें जो पैंडेमिक, जो कोविड को हमें वाइप आउट करके निकालना है, उसमें साथ दीजिए। नमस्कार।